और कुछ ये बोर्ड लगाया, लोगों ने क्या सोचा हुआ है है? कि ये सिर्फ बनियन अब एक शो पीस के लिए लगाया, बट नहीं, अगर आप देखोगे तो आप देखिए रोम यहाँ से 3642 माइल्स है। अभी हम निकल रहे हैं एक मंदिर की तरफ। पता नहीं मजा आने वाला है कि नहीं, बट मैं चाहता हूँ ये ब्लॉग पूरा बने। पहली कोशिश, पहला अटेम्प्ट इस ब्लॉग के लिए। तो बेसिकली हम आधे रास्ते निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है। और वापसी में मैं पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा, बट हम जा रहे हैं कुंजा देवी मंदिर। ये आपका लोकेटेड है 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ऋषिकेश रोड। कैसा है? ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं है? जैसा हमारा पानी हमारा। तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं आपका नरेंद्र नगर और मंदिर कुंजापुरी, कुंजापुरी माता मंदिर, मतलब यहाँ पे आपका कुंजापुरी यहाँ माता सिद्धपीठ। पार्वती का जो ऊपर ऊपर और अब देखिए ये हम मंदिर पहुंच चुके हैं, कुंजा देवी मंदिर। और इसके बारे में अभी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करता हूँ, अभी आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इस मंदिर के बारे में, और बहुत अच्छी लोकेशन है, वेदर हमेशा प्लेजेंट रहता है यहाँ का। ये मंदिर की बैक साइड लोकेशन है, उस टाइम काफ़ी फॉग थी पूरा इधर फॉग, और बहुत मज़ा आया था हमें इस पूरे ट्रिप में। और कुछ ये बोर्ड लगाया, लोगों ने क्या सोचा हुआ है है? कि ये सिर्फ बनियन अब एक शो पीस के लिए लगाया, बट नहीं, अगर आप देखोगे तो आप देखिए रोम यहाँ से 3642 माइल्स है। ये सबकी यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया गया, मकाओ 2260 माइल्स। देख और वो देखिए बंदर ये बंदर गए आपके, ये देखिए अभी और भी आ सकते हैं। ये बट सब पापा बिल्कुल ठीक है, देखो काठमांडू 649 माइल्स है, बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वेरी मच एक्यूरेट, सही में। और डायरेक्शन भी दी हुई है कि लंदन इस तरफ को पड़ता है। और देखिए मेरे सामने बंदर है, ये देखिए बंदर और उसका बच्चा, तुम थोड़ी पीछे हो जाते हैं देखिए माँ का प्यार अपना ही प्यार है। देखिए आप हवाई 7466, एक वहाँ पे वो बैठा है, अपने बच्चे को पूरा समेट के रखा हुआ है। वहाँ देखिए टोली माँ चल पड़ी है। 3000 भी हो रही है बारिश, बारिश में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। वो देखिए बारिश हो रही है, बिल्कुल बढ़िया। वो हमारे जूते भीग गए, ओहो, और हम यहीं लगे हुए हैं, जूते भीग चुके हैं पूरी तरह। तो सर जी हम तो रुके हैं चाय पीने, देखिए चाय पी रहे हैं। और वो है ये देखो, तो बहुत फॉग हो रखी है, बट अभी हम पहुंचे हैं द मैगी पॉइंट जस्ट ये स्टेयर्स उतर के। ये श्री कुंजापुरी अतिथि गृह, इधर को आप जाओगे तो वहाँ पे आपका गेस्ट हाउस है। ये गाड़ी तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे स्टेयर्स पे अगर आप देखें ये छत है पूरी ऐसी, तो यहाँ पे भीगने का कोई सवाल ही नहीं लग रहा। पापा आपको मौसम है, इससे बढ़िया मौसम और क्या होगा क्या तुम सन क्या चाहेंगे ये देखिए मेन्यू यहाँ लगा है मेन्यू से बाहर चीज पूछे हो गया ज्यादा यहाँ सब। पाइन तो नहीं है, पाइन फैमिली कही है। आपको वैसे कुछ दिखेगा नहीं, लाइव चल रहा है क्या? नहीं, ये है ट्रांसफार्मर यहाँ पे यहीं से भेज देंगे हम यहाँ टीरी डैम से आती है बिजली, वो बने हुए हैं अगर आप देखें सामने, बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये हमारा पानी, और हम अब पानी पी लेते हैं। वो देखिए हैंडपंप चल पड़ा है, खूब मीठा पानी है ये थूक दिया मेहनत का फल सिर्फ चखते हैं, घुटते नहीं अब हम चलते हैं, जाने की बारी आ गई, पहले की लगी है, अब हमारे जाने की बारी आ गई मंदिर में। हम देखिए गाड़ी में बैठते ही अब हम चलाएंगे वाइपर, एक बार वाइपर चलेगा, ये वाइपर चला गाने भी चले,
ये अपनी माता जी, ये अपने पिताजी। अगर बाहर देखे तो धुंध ऐसा है, माहौल बहुत बढ़िया बना है। चाय काश यहाँ पे बनती है। ये इसको हमारी खोलते माता है, अगर हमारे चाय बनती तो मजा आ जाता है। ये माता जी, ये पिताजी, ये पिताजी और ये बाहर धुंध जी। बाहर धुंध जी। अब हम वापस जा रहे हैं। देखिए रास्ता बहुत ही कटीला है, फॉग ऐसे छाई हुई है कि विजिबिलिटी है, और इस चलाने में यही मजा, इसको बोलते हैं धीरे चलाओ मजे में चलाओ। देखिए आगे से कोई गाड़ी आएगी तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि उसे मैं कैसे दिखूंगा। बस और कोई खतरा नहीं है दोस्तों, बाकी सब मस्त है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खाइए आप इमेजिन कर लीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए कितना खतरनाक मोड़ है, इसे नीचे थोड़ा सा उधर से दिखाइए, नीचे देखिए कुछ नहीं दिख रहा आपको, कितना खतरा। कोशिश ये कीजिए कि जहाँ भी आपको ऐसा बजरी वाला दिखे वहाँ पे ब्रेक ना मारिए और गियर पहला या दूसरा लगा के रखिए, उससे आपकी गाड़ी इधर उधर फिसलेगी सबसे बढ़िया चीज़, और अपनी स्लो स्पीड में चलते रहिए, ब्रेक का इस्तेमाल सबसे कम करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर मौसम ठीक होता तो उस समय आप यहाँ से ऋषिकेश देख रहे होते, ऋषिकेश से लेके पूरी गंगा, लक्ष्मण झूला, वो सारा यहाँ से बहुत क्लियर दिखाई देता है। अब ये फॉग होने से आपको कुछ भी नहीं दिखा नहीं सकते। ये मत देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए उसमें जर्नी आपकी कैसी रही। तो जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही है, देखिए कितना तीखा मोड़ है, कोई भी आगे से आ सकता है, तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए मोड़ते हुए ऐसे हॉर्न जरूर मारिए। इस जगह की मैं खास बात आपको बता देता हूँ, एक तो मौसम बहुत प्लेजेंट रहता है, सर्दियों में -2 तक टेम्परेचर यहाँ का चला जाता है। इस वक्त भी आप सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर हैं ऋषिकेश से, बट टेम्परेचर डिफरेंस लगभग 10 डिग्री का है। बढ़िया मौसम बन रहा है, और इस मौसम में आप भी देखें, आप घर में बैठे बैठे इंजॉय करें, हम प्रैक्टिकली इंजॉय कर रहे हैं। आप कभी भी यहाँ पे आना पसंद करें तो सिर्फ गर्मियों और सर्दियों में आएँ, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा रहता है यहाँ पे, तो बरसातों में अवॉइड कीजिए। यहाँ पे ये देखिए, वो देखिए वो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के जैसे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। अब देखिए पहाड़ियाँ दिखेंगी क्योंकि हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, फॉग कम होती भी। द लैंड इज वेरी फ्रेजाइल हियर, रास्ता नहीं दिख रहा। आप देखेंगे वो देखिए वो सड़क, वो देखिए वो सामने की सड़क, देखिए वहां से वो सड़क। ये वाली लैंडस्लाइड्स भी हैं जगह जगह, देखिए आप देखिए पूरा वो धुंध, देखिए कितनी बढ़िया इन है। देखिए आप यहाँ से, यहाँ आप लोगों को दिखा दो क्या मौसम बना हुआ है, ये देखिए पीछे, ये देखिए आगे, हम सड़क के बीचों बीच खड़े, गाड़ी आ रही है आगे से, तो हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हाईवे हिट करने वाले हैं जहाँ से हम जाएंगे वापसी। और अभी ऐसा रोड और आएगा, अब देखना पड़ेगा उस रोड से हम जा पाएंगे, नहीं तो घूम के ऋषिकेश से ही हमको जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पहुँच चार, अब हम यहाँ पे पहुँच, ऑल वेदर रोड, देखिए आप, इट दिस लीड्स टू टिहरी उत्तरकाशी, ये एक रास्ता है आपका, देखिए ये अभी रिसेंटली अभी इसको वी आर गोइंग टुवर्ड्स नरेंद्र नगर, टाइम पहले ये बना है अभी, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को बहुत सुविधाएं देता है इधर उधर जाने में, इवन टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया है व्यवस्था। बट उसकी वजह से अगर आप पहाड़ दिखाएं कैमरामैन, कितना नुकसान हो जाता है आपको। ये हम नरेंद्र नगर की मेन मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, सॉरी काफ़ी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई है मार्केट, बट आप कुछ ग्लिम्प्स देख सकते हैं इस मार्केट की, कुछ ऐसी दिखती है। और अगर आप वाइब्स ले पाएँ इस मार्केट की तो कितना अच्छा लगता है, ऐसी छोटी छोटी मार्केट्स और हिली एरियाज़ में जितनी भी ऐसी मार्केट्स होती हैं, शायद आप वाइब्स कैच कर पा रहे होंगे इन मार्केट की। और रास्ता काफ़ी अच्छा, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छी मेटल रोड है आपकी, और यहाँ से अगर आप जाएँ तो आप जर्नी ज़्यादा इंजॉय करेंगे रहते देन डेस्टिनेशन, जर्नी बहुत बढ़िया। हमने राइट जाना, हाँ। Thank you.
चंबा तो एक ही है। और एक मज़े की बात, जब आप ऐसे रास्ते पे ट्रैवल करते हैं ना, तो बेसिकली आपका कहीं पे रुकने का मन नहीं करता। आप चाहते हैं बस आप ट्रैवल करते रहें, आप गाड़ी चलाते रहें और सारी जगह का मज़ा लें। ये है ऋषिकेश, पहाड़ी के ऊपर है, देखिए ये इससे ऊपर जाके ये सारा लैंडस्लाइड हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ आपको भी मज़ा आया होगा। और एक वीडियो और आएगी इसके बाद, पार्ट टू, जो बेसिकली हरिद्वार में मैंने वीडियोग्राफी करी है, तो उसका थोड़ा सा कंपाइल करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और इन्जॉय कीजिए मेरी वीडियोस को, बहुत लाइवली आपको वीडियोस मिलेंगी।